हेलो आई एम डॉक्टर राकेश हुके एम डी मेडिसिन पेशेंट के पिताजी पेशेंट को लेके क्लिनिक में आए कि मेरे बेटे को बुखार हो रहा है कुछ दिनों से बदन दर्द सर दर्द कफ उल्टी और एक हाथ में काले कलर का छाला आया था तो हमने पेशेंट को देखा और उसे आईसीयू में एडमिट किया देखते हैं कि इसके लक्षणों से कैसे हमने इसकी डायग्नोसिस की और इसे तीन घंटे में हमने कैसे दुरुस्त किया आइए देखते हैं इन डिटेल सो टाइफस Infective organism Orientia tsutsugamushi, parasite of rodents, and transmitted by bite of chiggers, larval trombiculid mites. Human infected when encounter infected vegetation, grass and brush, where mites live. Bite will be unidentified and painless. Vertical transmission. Present and blood transfusion may transmit pathogen. Incubation period one to three weeks. Symptoms of scrub typhus illness vary from mild, self-limited to fatal disease. High-grade fever rises during first week of infection with chills. Maculopapular rash on trunk. 4 to 6 day of illness started peaking at day 8 lasting up to 21 day after infection onset severe headache backache myalgia body ache throat pain dry cough chest pain and breathlessness nausea vomiting diarrhea or gastrointestinal symptoms signs regional lymphadenopathy ट्रेजेंस ऑफ कार जैसे ये फोटो में दिख रहा है हमें लेकिन उसका ब्लैक स्कैब निकल गया है इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है लेकिन जनरली वो ब्लीडिंग करता है स्कैब निकालने के बाद में सो इस कार पेनलेस एट बाइट साइट अन्ट्रल नेक्रोटिक ब्लैक स्कलैब स्कैब सराउंडेड बाय अ रेज रिंग एंड इरिदेमा इन मॉइस्ट एरिया एक्जीला इंग्वाइनल रीजन अंडर ब्रेस्ट रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इनक्रीज इन हार्ट रेट लेस देन टेन बीट्स पर मिनट फॉर अ वन डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें जैसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं न्यूमोनाइटिस मायोकार्डाइटिस असेफ्टिक मेनिजाइटिस और इनकेफिस अदर्स आर एआरडीएस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेरिटोनाइटिस ग्रेन्यूलोमैटस हिपेटाइटिस डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, पेरिटोनाइटिस, ग्रैनुलोमेटस हिपेटाइटिस हिमोफेगोसाइटिक सिंड्रोम क्रेनियल नोपालसि पार्किंसन सिंड्रोम सेरेब्रोवेस्कुलर हिमरेज और इन्फाक्शन में डेवलप ड्यूरिंग सेकंड और थर्ड वीक ऑफ इलनेस अटैक कंफर प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट homologous strains and transient immunity against heterologous strains heterologous strains may produce mild disease if infection develops within a year after first episode investigations for scrub typhus are routine blood routine investigations are Early leukopenia seen and late lymphocytosis seen. Thrombocytopenia may seen. LFT shows elevated SGOT, SGPT, but hyperbilirubinemia is rare. RFT may be abnormal. Indirect immunofluorescent assay and indirect immunoperoxidase assay are gold standard for diagnosis. Scruff typhus antibody test, IgM detection by ELISA. पी सी आर फ्रॉम इसकार और ब्लड ई सी जी फॉर मायाकार्डाइटिस चेस्ट एक्सरे फॉर न्यूमोनाइटिस एंड अदर इन्वेस्टिगेशन इफ एनकेफेलाइटिस एरेब्रोवास्कुलर हिमरेज सीन सो सीटी ब्रेन और एम आर आई ब्रेन कैन बी डन स्क्रब टाइफस ट्रीटमेंट टेबलेट पैरासीटामॉल फाइव हंड्रेड एम जी जरूरत के हिसाब से इफ पेशेंट हैव अ फीवर बॉडी एक्ट मायालजिया इटे टेपिड स्पॉन्जिंग एंड प्लेटी ऑफ ओरल फ्लूड्स Capsule doxycycline 100 mg bd for seven to fifteen days. It is contraindicated in childrens less than eight year and in pregnancy. Or azithromycin tablet 500 mg od for three days. Or tab tablet chloramphenicol 500 mg qid seven to fifteen days. Or intravenous minocycline 100 mg twice daily. Or tablet rifampin 600 mg daily. नो वैक्सीन अवेलेबल टू प्रीवेंट स्क्रब टाइपस टिल डेथ अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड चिगर्स इज द बेस्ट वे टू अवॉइड डिसीज सो इस पेशेंट को हमने जैसे एडमिट किया इसके कंप्लेन्ट देखते हुए कि इसे था फीवर था कुछ दिनों से लगभग पाँच छः दिनों से और उसके बाद में इसे था बदन दर्द बॉडी एक हेड एक कफ ओमेटिंग सा, माइल्ड सांस लेने में दिक्कत थी थोड़ी और उसके साथ में इसे एक ब्लैक स्कैब हो गया था हाथ में जो कि इसने रिमूव किया था वो ब्लीड किया था उसके बाद में लगभग वो हीलिंग के साइंस दिखा रहा था ठीक है तो ये सब देखने के बाद में फीवर है और थोड़ा उसे अल्टर सेंसोरियम था जो कि घर वालों को पहचान नहीं पा रहा था और कुछ भी खाना नहीं खा रहा था बिकॉज ऑफ उल्टी के वजह से उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी ओके तो हमने ये देखा तो हमें ये फर्स्ट ये प्रिलिमिनरी हमारे माइंड में आइडिया आता है अगर फीवर है और सेंसोरियम है तो जनरली हम आ, सोचते हैं इसे कि इसे हर पीस एनकेफेलाइटिस हो गया होगा बट इस केस में जनरली हमें ये स्कार मिला और हम अगर एंडेमिक एरिया है तो मलेरिया भी सस्पेक्ट करते हैं फीवर विथ सेंसोरियम में तो ये भी सस्पेक्ट करते हैं बट इस केस में स्कार मिलने की वजह से हमारा ज्यादा ध्यान ब्लैक स्कैप जो था उसने निकाला था वहां पे जो अल्सर था आ, एल्बो में उसके वजह से ज्यादा ध्यान हमारा गया ये स्क्रपटाइपस के तरफ नहीं तो हम जनरली बाकी चीजें भी सोच सकते थे और भी काफी डिसीज आते हैं इसके डिडीज में बट हर्पिस एनकेपेलाइटिस और मलेरिया हमारे एरिया में ये कॉमन है तो हम इसको पहले ध्यान में रखते हैं जनरली स्क्रपट टाइवस हमारे एरिया में बहुत कम है बट हमने ये इस कार के वजह से और इस सिम्टम्स के वजह से इसको माइंड में रखा तो हमने उसे देखा कि बाकी चीज़ जैसे उसका बी था हंड्रेड बाई सिक्सटी पल्स रेट था वन पर मिनट रेगुलर था रेस्पिरेटरी रेट ट्वेंटी थ्री था टेम्परेचर वन जीरो फोर डिग्री फेरानाइट एस पी ओ टू नाइन्टी सेवन और जी सी एस एलेवन बाई फिफ्टीन सो उसका हमने इन्वेस्टिगेशन जब हमने करे तो देखे उसे कि डब्ल्यू बी सी उसका एटीन थाउजेंड फाइव सिक्स फोर था एच जी ओ टी फोर फाइव एट एच जी पी टी फाइव एट फोर क्रियाटिन वन पॉइंट एट यूरिया फोर्टी टू ये इलिवेटेड थे सारे ये पैरामीटर्स और बाकी रिपोर्ट लगभग नॉर्मल थे और इसके डायग्नोसिस स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए जब हमने देखना चाहा ये रिपोर्ट के बेसिस पे और इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था वहाँ पे एटी था एटी फोर थाउजेंड काउंट था इसका प्लेटलेट सो so, ये पेशेंट को जब हमने इवेलुएट करवा करवाना चाहा इस कंडीशन में तो जनरली एच जी ओटी पी टी विदाउट हाइपर बिलेरुबिनिया ये टाइफस कर सकता है ऐसे डेंगू में आ सकता है डेंगू में लेकिन जनरली ये इसको डब्ल्यू बी सी काउंट एलिवेटेड हमें नहीं मिलता है डेंगू में डेंगू में लो डब्ल्यू बी सी अकाउंट हमें मिलता है ओके okay. सो so, हमने इसे आगे इन्वेस्टिगेट किया कि हमने देखा कि इसके जैसे मलेरिया है टाइफाइड है डेंगी है लेप्टोस्पायरा है ये ऐसे कुछ टेस्ट ये इसके निगेटिव थे फिर हमने इसका देखा कि आई जी एम स्क्रब टाइफस ये इसकी एंटीबॉडी पॉजिटिव थी सो हमने फाइनल डायग्नोसिस की रखे थे इसके कि स्क्रब टाइफस एनकेफेलाइटिस सो ये पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करे उसको डॉक्सीसाइक्लिन 100 एम जी अ डे और उसके साथ में जैसे आईवी फ्लूइड्स एनएस डीएनएस और बाकी जैसे लिवर में ये ट्रांसामाइनाइटिस था तो ऑर्सोडी एसिड सिलीमैरिन और इसको सपोर्टिव में पैरासिटामॉल फॉर फीवर हमने इसे दिया था ओके okay, सो so ये पेशेंट लगभग तीन घंटे में ये साइंस गुड साइंस दिखाया इसने ये लगभग अपने मदर फादर को पहचानने लगा और लगभग ये सेकंड डे में काफ़ी बेटर हो गया ओके okay? सो so इसको थर्ड डे में हमने इसे डिस्चार्ज कर दिया इस पेशेंट को ऑन टेबलेट रखते हुए ये सारी जो अभी स्टार्ट करे थे उसको और ये रेजिडेंट लोकल था तो ये क्लिनिक में आके दिखा सकता था यहाँ पर सो so ऐसे इस पेशेंट की हम डायग्नोसिस कर सकते हैं जैसे हमने कल भी देखा था पे केस डेंगी का कि उसके अंदर भी हमें फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लगभग ये सिम्टम्स भी इसमें भी सेम है लगभग लेकिन इस कंडीशन में जैसे ये पेशेंट के अंदर है कि सी बढ़ेगा स्क्रब टाइपस में बट डेंगू में नहीं बढ़ता है जनरली डेंगू में हमें जनरली लिम्फोपेनिया मिलता है मतलब लिम्फोसाइट काउंट कम मिलता है डेंगू में और स्क्रब टाइपस में लिम्फोसाइट काउंट जनरली ज्यादा मिलता है हमें हाँ न्यूट्रोफिलिया भी रह सकता है उसमें लेकिन जनरली लिम्फोसाइट काउंट लेट डिसीज में ज़्यादा मिलता है हमें ओके okay, सो so इस तरीके से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं जनरली हाइपर बिल्यूरोबिनेमिया ये साइन होता है लेप्टोस्पायरा uh, का विद किडनी फेल्यूअर इस पेशेंट में भी प्रीरिनल फेल्यूअर था क्रिएट आप 1.8 था स्क्रब टाइफस में बट अगर ये लेप्टोस्पायरा से अगर हम कंपेयर करते थे तो लेप्टोस्पायरा में जनरली अगर ये किडनी uh, फेल है तो उसके साथ में बिलुरुबिन काफ़ी हाई रहेगा तो इसका बिलुरुबिन ये स्क्रब टाइप में नॉर्मल था लेकिन अगर यही अगर लेप्टो रहता तो पहले हाई रहता देन रहता कंपेयर में कम रहता था, था यहां पे तो बहुत सारी ऐसे चीज होती है कि जो हम डायग्नोसिस से सीखते हैं तो आगे की हम वीडियोस में और देखेंगे लेप्टोस्पायरा हो गया बाकी डिसीजेस हो गया लास्ट वाला आपने अगर डेंगू नहीं देखा होगा तो आप डेंगू फीवर को वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा जिसमें हमने फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस करे थे और अदर फीवर से कैसे रूल आउट कर सकते हैं हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था आ, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आ, और कोई अगर आपके सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए या और किसी टॉपिक में अगर आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी अगले वीडियो में मिलते हैं